इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर है चार्ज की वजह से प्रेशर। चार्ज प्रेशर कैसे लगाता है इसको समझें। सपोज करो आपके पास ये कोई भी एक आर्बिटरी बॉडी है जो कि चार्ज्ड बॉडी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है। अगर मैं इसका एक एलिमेंट लूं, ये मैंने ए बी एलिमेंट ले लिया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू है, सपोज स्मॉल चार्ज है डी क्यू, बात खत्म। ठीक, इसमें अगर सपोज करो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन देख रहे हो, ये वाला जो इस बॉडी का बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फील्ड लगाएगा ई। इस एलिमेंट पे बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज ई लगाएगा। कोई भी चार्ज अपने ऊपर ई नहीं लगाता, जैसे क्यू चार्ज है अपने ऊपर क्या ई लगाएगा, 1/4 π ε³/0² डिनोमिनेटर जीरो, नॉट अलाउड, तो नॉट डिफाइंड। तो कोई भी चार्ज अपने ऊपर अपने चार्ज की वजह से ई नहीं लगाता, आस पड़ोस में लगाता है। तो अगर मैं पूछता हूं कि ये चार्ज बॉडी है छोटी सी, इसने अपने ऊपर ई क्या लगाया, डिफाइंड नहीं, कुछ नहीं, पड़ोस ने जो बचा हुआ चार्ज है उसने लगाया। तो उसने जब इसके ऊपर ई लगाया, इसके ऊपर चार्ज था, चार्ज इंटू ई क्या हो गया, फोर्स। चार्ज इंटू ई क्या हो गया, फोर्स। इसके ऊपर फोर्स लग गई। अगर मैं उस फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। उस प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर एक कोई भी बॉडी है उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक है यहां तक? इलेक्ट्रिक प्रेशर समझने के लिए पहली स्टेटमेंट गिवन है कि एक कंडक्टर या मेटल है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है। हमने पोटेंशियल अभी किया नहीं, तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम नहीं रीड करेंगे अभी। जब कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगी, पर इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है अभी, समझाने के लिए कोई पोटेंशियल मुझे चाहिए नहीं। तो दूसरी स्टेटमेंट है, स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉलर इज द एरिया एंड हायर द वैल्यू ऑफ सिग्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लें, आ जाएगा इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन। कैसे? इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, आपके पास एक स्फेयर है, ये यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म, तो इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, बिल्कुल है। इसका रेडियस क्या है, आर, इसका चार्ज क्या है, क्यू, तो बोलो सिग्मा क्या होगा इसका, क्यू डिवाइडेड बाय 4 π r², बात खत्म। सिग्मा की वैल्यू हर पार्ट के लिए क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, चाहे आप ये पार्ट लो, चाहे आप ये पार्ट लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, कोई भी ले लो, क्लियर है। लेकिन जो बॉडीज टेढ़ी मेढ़ी होती हैं कुछ ऐसे, ये रहा, ठीक, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे, एक चीज नोट करें, जहां पर ये फ्लैट सरफेस है वहां मैंने चार्ज दूर दूर बनाया है, जहां पर ये तीखी सरफेस है, कर्वेचर ज्यादा है, कर्व ज्यादा है, वहां मैंने ज्यादा चार्ज बनाया है, नोट जान के बनाया है, ऐसा नहीं कि गलती से हो गया मुझसे। रूल है कि जो सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, एरिया चाहे किस कैसा भी हो आर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यानी कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो उसने कहा कि जिसका कर्वेचर छोटा है, जिसका आर छोटा है, छोटा है, तो उसका सिग्मा बड़ा होगा। तो याद रखना सिग्मा की वैल्यू इस पोर्शन की क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इस पोर्शन का रेडियस क्या है, काफी बड़ा है, बड़ा सर्कल बनेगा अगर देखें, कर्व बड़ा है, कर्व बड़ा है, तो सिग्मा क्या आएगा, छोटा। तो इस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आर्बिटरी कंडक्टर में सिग्मा कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन आएगा किस पोर्शन का सिग्मा ज्यादा है, लेफ्ट का कि राइट का, जिसका आपको एरिया या कर्वेचर बहुत छोटा लगे, तीखे पॉइंट बनेंगे इसके, तीखे तीखे, आर की वैल्यू छोटी है तो सिग्मा वहां बहुत ज्यादा है, मतलब कम एरिया में ज्यादा चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कम एरिया में ज्यादा चार्ज है, इसमें ज्यादा एरिया में कम चार्ज है। तो सिग्मा की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती कंडक्टर में अगर टेढ़ा मेढ़ा है।
पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, हम ये भी बोलते हैं सिग्मा इज लोकल टू दी सरफेस। सरफेस के ऊपर सिग्मा क्या है? लोकल है। लोकल क्या होता है? लोकल का मतलब एक तो होता है यूनिफॉर्म है, लोकल का मतलब चेंज होता है। लोकल जैसे 50 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है अपने इंडिया में, लोकल लैंग्वेज है, बिल्कुल वैसे ही ये एरिया में सिग्मा अलग है, थोड़ा सा दूर गए सिग्मा अलग है, दूर गए सिग्मा अलग है, तो लोकल है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं एक ही कंडक्टर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया, सेकेंड रूल भी हो गया। अब तीसरा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ऐसा भी एक रिजल्ट सीखें इसी के साथ, रिजल्ट ये है कि सपोज करो आपको मैंने ये एक चार्ज बॉडी दे दी कुछ इस तरीके से, तो ये चार्ज बॉडी है, और मान लेते हैं कि इसका जो सिग्मा है, जैसे यहाँ का सिग्मा है, यहाँ का अलग सिग्मा है, यहाँ का अलग सिग्मा है, तो अगर ये कंडक्टर है, पॉइंट नंबर वन, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड ई क्या होगा? जीरो। अगर ये सॉलिड कंडक्टर है तो ई क्या होगा? जीरो, अंदर चार्ज ही नहीं होगा। और अगर ये हॉलो है तो ई क्या होगा? तब भी जीरो, क्योंकि शेल के अंदर भी ई क्या होता है? जीरो, क्योंकि पॉजिटिव में लाइंस कहाँ फेंकनी है? बाहर ही फेंकनी है। नेट ई तब भी जीरो, कंडक्टर के अंदर कभी ई नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? दूसरा रिजल्ट है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस के पास, बहुत दूर नहीं जाना, बहुत नजदीक, ई की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी यहाँ का सिग्मा है, अगर सिग्मा चेंज हो गया तो यहाँ पर ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज, ठीक। तो ये प्रूफ हम अब करने वाले हैं कि प्रूफ दैट जो ई की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर टू ये भी आता है, अगर ऐसी सरफेस है तो ई की वैल्यू सरफेस के आस के पास कंडक्टर की कॉन्स्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां पर सिग्मा ज्यादा है, रेडियस कम है, सिग्मा ज्यादा है, वहां ई भी ज्यादा है, और जहां सिग्मा कम है वहां ई भी कम है। तो ई की वैल्यू सरफेस ऑफ कंडक्टर के पास, इसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा उसके एरिया में हल्का सा दूर, ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, सॉरी ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा अगर चेंज हो रहा है ई भी चेंज हो रहा है। कोई डाउट इसमें? अब आपको ये प्रूफ करना है कि रिजल्ट कहां से आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप इस टॉपिक के पास यहां लिख लें, एक सेकेंड, ये लिखा नहीं हुआ इसमें, कि यहां पे लिखें टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर नियर द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। इसका आंसर क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? आपके पास ये कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ई क्या है? जीरो है। आप एक कोई भी क्लोज बॉडी ले लें, जिस मर्जी शेप की, बनाने वाले ने सिलेंडर ले लिया, क्लोज बॉडी इमेजिनरी, सबसे ईजी सिलेंडर है, जिसका कुछ पोर्शन बाहर और कुछ अंदर ले लिया। आपको यहां पर ई निकालना है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर जो भी इसका एरिया लिया ए, इसका एरिया सपोज क्या लिया ए, तो इसका एरिया भी क्या है ए, इसका एरिया भी क्या है ए, ठीक, ये ले लिया। आपको अगर यहाँ पे ई निकालना है तो प्लस वन, ये प्लस चार्ज, प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल, तो ई वेक्टर कहाँ है? बाहर। एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर। कर्व्ड सरफेस का एरिया कहाँ है? इधर। ई वेक्टर कहाँ है? बाहर। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू जीरो, और यहां पे फ्लक्स क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि अंदर ई है ही नहीं।
अंदर ई है नहीं, कर्व का जीरो, तो टोटल बॉडी का फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू एरिया, बस एक इसी का तो बनेगा ई इंटू एरिया, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब मुझे ये पता है कि इस बॉडी का फ्लक्स क्या बनेगा, ई इंटू एरिया, लेकिन क्लोज बॉडी का फ्लक्स होता क्या है? क्लोज बॉडी का फ्लक्स है चार्ज, यहां पे जो चार्ज होगा, यहां पे चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर ये चार्ज आ रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज होगा क्या, यहां का जो भी सिग्मा को यहां के एरिया से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया इसमें चार्ज। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके ई की वैल्यू आ गई, प्रूफ आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करना है? रिजल्ट क्लियर है? तो आपने जान के गॉसियन सरफेस ही ऐसी भी जो इजी है, ताकि अंदर का फ्लक्स आए ना, इधर का आए ना, सिर्फ ई इंटू एरिया आए, और आपको पता है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है इसका, जो भी सिग्मा इंटू एरिया आंसर, क्योंकि चार्ज सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? याद हो गया रिजल्ट? ठीक, अब हमने क्या करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बीच में एक नई डेरिवेशन आ गई, पहले ये सिखाई, अब चलते हैं ऊपर। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक, सपोज एक एलिमेंट लिया आपने एबी, एबी क्या लिया, एलिमेंट जिसका स्मॉल सरफेस एरिया कितना है, डीएस, ठीक है। एक पॉइंट आपने लिया इसके सरफेस के बहुत पास ऊपर, और एक कहां लिया, नीचे, ये भी क्लियर है, एक्स और वाई दो पॉइंट ले लिए। अगर आप वाई पॉइंट की बात करते हो जो अंदर है, और मैं पूछूं यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, सबको पता है ई क्या आएगा, नेट जीरो, कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो। पर लॉजिकली ई जीरो क्यों है, इमेजिन करो कि यहां पर मैंने चार्ज प्लस वन को रख दिया, क्योंकि जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ई लगाएगा, ई कितना लगाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा हुआ पोर्शन, जितना भी बचा हुआ पोर्शन देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, इसको भी इस प्लस वन को उल्टी तरफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाय वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, मुझे कैसे पता इतने बड़े पोर्शन की ये वैल्यू और अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली नेट ई क्या आना चाहिए, जीरो, और वो तभी आएगा जब एक ई नीचे एक ई ऊपर, और हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि ई जीरो होता है, इसका मतलब अगर इसने ई नीचे लगाया तो बचे हुए ने भी ई ऊपर लगाया ताकि नेट ई क्या आ जाए, जीरो। एक बात तो यानी कि पक्की है कि ये एलिमेंट और बचा हुआ पोर्शन ई जो लगाता है ई वन ई टू, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, ई वन ई टू का मैग्नीट्यूड सेम। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कैसे पता लगा, यहां एक्सपेरिमेंट करके पता लगा, जीरो है नेट, तो तभी नेट जीरो है क्योंकि ये और ये एलिमेंट का ई कैंसिल हो रहा है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब एक काम करो, अब आप वो पॉइंट एक्स पे लो, ये लो एक पॉइंट कहां पे लो, एक्स पे लो, फिर शुरू करो। यहां पे अगर ई निकालना है तो ये वाला पोर्शन का पॉजिटिव चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है बचा हुआ ये भी इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। कोई डाउट इसमें? ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो नेट ई की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, ई वन प्लस ई टू। क्लियर है यहां तक? जीरो नहीं होगी। अब मुझे ये पता है कि एक कंडक्टर के पास कोई भी पॉइंट है उसका ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों वैल्यूज का सम एक्स पॉइंट पर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पता है। लेकिन यह भी पता है कि E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो E1 इज इक्वल टू E2, तो इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये कि E1 प्लस E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यानी सिग्मा बाय सॉरी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय ठीक इज इक्वल टू व्हाट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E1 प्लस ई वन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई वन इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो ई टू की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। तो पॉइंट समझ में आ गया कि ई वन ई टू बराबर है इसमें, और ई वन ई टू की जो वैल्यू है
वो कितनी आएगी, क्योंकि E1 plus E2 का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, पर E1 E2 के इक्वल है, तो E1 E2 का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर पे चलते हैं। अब वो कहता है काम करो, यहां फिगर बना लेना फिर से एक बार, सेम फिगर है, यहां बना लेना खाली स्पेस में। ठीक, इसके अंदर ये एलिमेंट बनाना ए बी, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो ब्लैक कलर का एलिमेंट है इस पे चार्ज डी क्यू है, ये अपने ऊपर ई तो लगाएगा नहीं, कौन लगाएगा, बचा हुआ पोर्शन लगाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन रेड कलर का पोर्शन है वो इसके ऊपर ई लगाएगा, जिसकी वैल्यू ई टू है, ई वन तो लगेगा नहीं। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस ब्लैक पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे ई टू, कौन लगा रहा है, बचा हुआ पोर्शन लगा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, डी क्यू इंटू E2, तो इस फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया, DF। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, DF उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स होगी क्या, उस ऊपर के एलिमेंट पे फोर्स होगी, ऊपर के एलिमेंट का चार्ज इनटू E2, कोई डाउट इसमें? अब E2 DQ होगा क्या, DQ होगा जो भी इसका सिग्मा इनटू कितना इसका एरिया, DS, तो सिग्मा इनटू DS। E2 हम निकाल चुके हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक काम क्यों नहीं करते, डीएफ और एरिया को डिवाइड कर लो, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है, प्रेशर। आंसर, तो प्रेशर का फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नोट करो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये स्टेप समझ में आए? तो पहला रिजल्ट हमने इसमें क्या किया, अगर रिवाइज करें एक मिनट में, पहला रिजल्ट ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहला रिजल्ट। दूसरा ये किया, ये हमने क्लोज बॉडी ली, हमने एक पॉइंट एक्स लिया, इस पोर्शन ने इसे रिपेल किया, बचुए ने भी रिपेल किया, तो E1 प्लस E2 का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर से देख लिया E1 E2 के बराबर है, तो E1 E2 के की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया DQ, जिस पे बचा हुआ पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगा रहा है, और DQ की जगह सिग्मा DS, E2 की वैल्यू पुट की, DF बाय DS किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और सिग्मा लिख दिया लोकल टू दी एरिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप यहां से सिग्मा को क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, तो एप्सिलॉन नॉट ई पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला भी नोट करें, दोनों फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के हैं, दोनों फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के हैं, कोई भी यूज होगा। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, आपके ऑब्जेक्टिव में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, नीट में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, और एडवांस में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, कि अगर आपके पास दो हेमिस्फेयर्स हैं, ये देखो दो हेमिस्फेयर्स हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो मुझे क्या करना है, फोर्स लगा के इनको रोक के रखना है, ताकि ये सेपरेट ना हो जाए, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी है एक हेमिस्फेयर पे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है इनटू एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया जो लेना है वो हेमिस्फीयर का एरिया नहीं लेना 4 पाई आर स्क्वायर, वो हमेशा ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होता है ये वाला, जो कि क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है, तो कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो ऐसे करना है, इनटू पाई आर स्क्वायर करके। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक?